वेरी गुड मॉर्निंग टू योर क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्डन्स मेथड. सो कार्डन्स मेथड जो यूज़ करते हैं हम क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि ऐसी क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें स्क्वायर वाली टर्म ना हो. अगर स्क्वायर वाली टर्म है तो जो हमने लास्ट एक्सरसाइज जिसमें मीन्स लास्ट चैप्टर में जो मेथड सीखा था जैसे हम सेकेंड टर्म रिमूव कर देते थे तब हम पहले वो मेथड यूज़ करके पहले सेकेंड टर्म रिमूव करेंगे देन वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग कार्डन्स मेथड. सो व्हाट इज़ अ कार्डन्स मेथड. कार्डन्स ने क्या किया था, देखो जो रूट्स थे ना उसको ब्रेक करके दो पोर्शंस में यू प्लस वी की फॉर्म में फाइंड करना स्टार्ट किया था. तो कार्डन्स मेथड अप्लाई करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज़ कि स्क्वायर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए. सो माई इक्वेशन इज़ एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 65. तो मैंने पहले चेक किया कि यहाँ एक्स स्क्वायर तो नहीं है. सो आई हैव चेक्ड कि यहाँ स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो मैं कार्डन्स मेथड लगाना स्टार्ट कर सकती हूँ. सो कार्डन्स मेथड लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक्स को लेट करना है यू प्लस वी. देन इस एक्स की हेल्प से आपको एक क्यूबिक इक्वेशन बनानी है और वो क्यूबिक इक्वेशन और जो गिवन क्यूबिक इक्वेशन है वहाँ से सिर्फ आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं. ठीक है. सो यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स. ठीक है. सो अब यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब आइडेंटिटी यूज़ हुई देन ये आ गया हमारे पास. नाउ दस u प्लस वी इज़ वॉट, दस u प्लस वी इज़ x. सो यहाँ पे x पुट कर दिया. सो दिस विल बिकम x क्यूब माइनस 3uvx माइनस u क्यूब प्लस वी क्यूब. ओके. सो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इस इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को. तो देखो एक्स क्यूब के कॉफिशेंट्स तो 1 है. सो इसको कंपेयर करके क्या मिलेगा हमें, कुछ नहीं. सो यहाँ से आया माइनस 12 और दिस इज माइनस 3uv. सो दिस इज माइनस 3uv इक्वल्स टू माइनस 12. यहाँ से 3 से 12 कैंसिल हुआ तो दिस इज uv इक्वल्स टू 4. और जब हमने कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर किया तो हमें मिला यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल्स टू 65. अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स होंगे u क्यूब एंड v क्यूब. और हमें इक्वेशंस तो फॉर्म करनी आते हैं, दो रूट्स हैं तो दैट मीन्स इक्वेशन कैसे होगी क्वाड्रेटिक. और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करनी हमें आती है, हम करते थे x स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वल्स टू 0, है ना, ऐसे फॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे x में तो ऑलरेडी इक्वेशन चल रही है तो मैंने लिया एक न्यू वेरिएबल t. ठीक है. सो हम कैसे फॉर्म करेंगे, और फॉर्म करना है जिसके रूट्स u क्यूब एंड v क्यूब होंगे. ठीक है, u और v नहीं, u क्यूब एंड v क्यूब. सो u क्यूब प्लस v क्यूब मीन्स दिस इज माय सम ऑफ रूट्स. एंड व्हाट अबाउट u क्यूब इंटू v क्यूब, ये कैसे मिलेगा, u इंटू v है तो दोनों साइड क्यूबिंग कर देंगे. सो हमें मिल जाएगा u क्यूब v क्यूब इक्वल्स टू 64. सो दिस इज माय सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज माय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो बस यहाँ पे अप्लाई किया सो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है, चाहे आप फैक्टर्स कर लो या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ कर लो. यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टर्स मिल रहे थे तो मैंने डायरेक्टली फैक्टर्स कर दिए हैं. 64 के फैक्टर्स किए, 64 + 1, और ये कॉमन लेके हमारी वैल्यूज आ गई टी की दो. एक वैल्यू है टी इक्वल्स टू 1 एंड माई सेकेंड वैल्यू इज़ टी इक्वल्स टू 64. अब ये क्या था, ये किस इक्वेशन के रूट्स थे, टी क्या वैल्यूज़ देगा, यू क्यूब एंड वी क्यूब भी तो देगा बिकॉज इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे, यू क्यूब एंड वी क्यूब. तो आप दोनों में से किसी भी एक को यू क्यूब लेट कर सकते हैं, किसी भी एक को वी क्यूब लेट कर सकते हैं. सो मैंने 1 को लेट कर लिया यू क्यूब और 64 को लेट कर लिया वी क्यूब. सो यहाँ से हमारे पास यू आ गया 1 एंड वी आ गया 4. हमने एक्स क्या लेट किया था, u प्लस वी, तो हमें x मिल गया, दोनों को ऐड किया 5. सो एक रूट मिल गया हमें क्यूबिक इक्वेशन का. और जब हमें एक रूट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन करके उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो बस वही किया, हमें 5 मिला एक रूट, 5 से मैंने सिंथेटिकली डिवाइड किया तो माई डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13. अब बस उसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करके उसके रूट्स निकाल लिए. सो दो रूट्स यहाँ से आ गए और एक रूट हमारे पास ऑलरेडी 5 था, तो जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी उसके ये रूट्स आ गए. ठीक है. अब ये हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें डायरेक्टली हमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं गिवन थी. अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें स्क्वायर वाली टर्म भी गिवन है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसको कैसे रिमूव करेंगे.
ठीक है, सो दिस इज माई क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है. सो द फर्स्ट थिंग इज कि स्क्वायर वाली टर्म को रिमूव करो, और उसको करने के लिए क्या करते थे, h से रूट को डिमिनिश करते थे, और h के लिए क्या फार्मूला होता था, माइनस ए वन बाय एन ए नॉट. तो ए वन इज माइनस थ्री, एन इज मीन्स डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, एंड दिस इज थ्री, ए नॉट इज वन. तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास वन. सो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट को वन से डिमिनिश करना है, तो हमारे पास इसका स्क्वायर वाली टर्म रिमूव हो जाएगी. देखो, ये हमने डिमिनिश कर लिया, तो हम कैसे बनाते थे डिप्रेस्ड, जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होती थी, नॉट डिप्रेस्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन कैसे निकलेगी, यहाँ से स्टार्ट करना है कॉफिशेंट्स को पिक करना. सो दिस इज y क्यूब प्लस जीरो वाई स्क्वायर प्लस नाइन वाई प्लस 26 इक्वल्स टू जीरो, और हमने रूट्स को डिमिनिश किया बाय वन. सो यहाँ पे y क्या होगा, x माइनस वन. तो अब ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन आई है जिसके ऊपर हम कार्डन्स मेथड अप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म नहीं है. ठीक है, सो अब हम y को लेट करेंगे u प्लस वी, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, अब वही स्टार्ट होने वाला है. फिर दोनों साइड क्यूबिंग की, क्यूबिंग करके एक इक्वेशन आई, वहाँ से कॉफिशेंट्स को कंपेयर किया, तो u क्यूब और v क्यूब निकाले, और u क्यूब प्लस v क्यूब फाइंड किया. देखो ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास. फिर हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, जिसके रूट्स कौन होंगे, u क्यूब एंड v क्यूब. सो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फैक्टर्स करो या फिर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करो, दैट्स योर विश. सो मैंने फैक्टर्स किए हैं, सो t आ गया माइनस 27 एंड 1. ओके, सो अब u क्यूब लेट कर लिया मैंने माइनस 27 को, और वी क्यूब मैंने लेट कर लिया 1 को. सो यू आ गया माइनस 3, वी आ गया 1. तो वाई की वैल्यू आ गई क्या, माइनस 3 प्लस 1, दैट इज वाई इक्वल्स टू माइनस 2. इज दैट क्लियर? देन वाई हमारे पास था क्या, वाई था हमारे पास एक्स माइनस 1, बिकॉज हमें जो इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं वो वाली नहीं है जिसमें हमने सेकेंड टर्म को डिमिनिश किया था. हमें रूट्स निकालने हैं गिवन इक्वेशन के जो x में है हमारे पास. सो मैंने इसको वापस से x में ही चेंज कर लिया, x की वैल्यू आ गई माइनस 1. सो दैट मीन्स हमें क्या मिला, हमें एक रूट मिल गया क्यूबिक इक्वेशन का, और बाकी रूट्स निकालने के लिए वॉट वी विल डू, वी विल यूज सिंथेटिक डिविजन. तो हमने माइनस 1 से सिंथेटिकली डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन थी वो ये बनी. देन बाय अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, x के एक वैल्यू आ गई थी माइनस 1, और दो वैल्यूज ये आ गए. सो माय रूट्स आर माइनस 1, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा. सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू.